अगर आप भी अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वेट गेन कैसे कर सकते हैं। सो आपको ये तो पता ही होगा कि वेट गेन करने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डाइट, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और डाइट पे डाइट लिए जाओगे तो ऑब्वियसली आप भी झंडू टाइप के दिखने लगोगे, और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मस्कुलर बॉडी बनेगी और साथ ही साथ वेट गेन भी होगा। इसलिए आज मैं आपको ऐसी 3 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी मस्कुलर बॉडी बनेगी और साथ ही साथ वेट गेन भी होगा, और ये एक्सरसाइज आपको डाइट से पहले करनी होगी। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है पुशअप्स। अब बात करते हैं आखिर कितने पुशअप्स लगाने हैं। तो देखो, मुझे पता है कि आप बिगनर हो तो आपको मिनिमम 20 पुशअप्स लगाने हैं, और हाँ 20 पुशअप्स एक साथ नहीं लगाने हैं बल्कि गैप देकर लगाने हैं। और पुशअप्स आपकी अपर बॉडी को मजबूत बनाते हैं, जबकि चेस्ट, शोल्डर और हैंड को भी ताकतवर बनाते हैं, साथ ही साथ मसल्स को भी उभारते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है स्क्वाट, जिसे देसी भाषा में दंड बैठक भी कहते हैं। और स्क्वाट एक्सरसाइज आपकी थिग, हैमस्ट्रिंग और हिप के मांसपेशियों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिससे वजन कंट्रोल रहता है और शरीर फिट बनता है। और बची लास्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है लंज, और इस एक्सरसाइज में आपका लोअर पार्ट मजबूत बनता है और ग्लूट, क्वाड, हैमस्ट्रिंग मसल्स और शरीर को भी फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री भी करता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेट गेन करने के लिए डाइट भी बहुत जरूरी है, लेकिन डाइट को लेना कैसे है और डाइट में क्या क्या लेना है अब वो भी जान लीजिए। तो देखो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक्सरसाइज के बाद ही डाइट को लेना है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सरसाइज को सुबह के वक्त करना, क्योंकि सुबह की एक्सरसाइज काफी ज्यादा अच्छी होती है मुकाबले शाम के। तो ये तो था डाइट लेनी कब है, और अब बात करते हैं कि डाइट में क्या क्या लेना है। तो आपको डेली एक्सरसाइज के बाद बनाना शेक पीना है, और आप चाहो तो MB यानी मसल्स ब्लेज मास गेनर XXL भी ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी कमजोर इम्यूनिटी, कमजोरी, पोषण की कमी, थकान व मांसपेशियों की कमजोरी के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है, जिसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से भी खरीद सकते हो। और अब बात करते हैं कि आखिर और क्या खाना है अपनी डाइट में। तो देखो, आपको अपने खाने में कैलोरीज ऐड करनी होगी, जो कि आपको चावल, आलू, पीनट बटर में भरपूर देखने को मिल जाएगी, जिन्हें आप अपने डेली खाने में ऐड कर सकते हो। और हाँ, आप चाहो तो कच्चा पनीर और ओट्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि पनीर आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भी प्रोवाइड करता है। एंड बोनस टिप, 100 ग्राम पनीर में 11 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, साथ ही साथ कैल्शियम के होने के कारण ये हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए कार्डियो फिटनेस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो।